तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिवीजन किए थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कुछ एमसीक्यू सॉल्व किए थे उस पर बेस्ड। अभी आज कैपेसिटर करेंगे, इसमें कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस इस चैप्टर का क्विक रिवीजन करेंगे सारे फॉर्मूला का और कॉन्सेप्ट्स का, और उसके बाद एमसीक्यूज और असर्शन रीजन और केस स्टडी बेस्ड किस टाइप का जो न्यू पैटर्न क्वेश्चन आने वाला है वो सब भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर। इसमें पोटेंशियल ये वाला पार्ट ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, इसे रिवीजन भी इसका ये करने वाले हैं कैपेसिटेंस। ओके, रिवीजन क्विक रिवीजन करेंगे इसका और एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। कैपेसिटेंस में सबसे पहले हम लोग कंडक्टर के बारे में सीख रहे हैं कि कंडक्टर क्या कैसा प्रॉपर्टी होता है। तो एक कंडक्टर के ऊपर अगर आप चार्ज देंगे ऐसे प्लस क्यू, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कंडक्टर के ऊपर, राइट, तो इसका अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इनसाइड में सेंटर पे भी जीरो होता है, और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सरफेस पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और आउटसाइड पॉइंट के लिए इससे कोई आउटसाइड पॉइंट लेंगे बाहर में तो वहां पे होता है के क्यू अपॉन, ये एक्स डिस्टेंस है तो एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये आर क्या है रेडियस इसका लिया हुआ है रेडियस, तो रेडियस सरफेस पे क्या वैल्यू होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर यानी रेडियस के इक्वल, और आउटसाइड आउटसाइड पॉइंट के लिए एक्स कोई भी आर्बिट्रेरी पोजिशन पे रखा हुआ है अगर वो एक्स डिस्टेंस पे है तो के क्यू बाई एक्स स्क्वायर लिख देते हैं हम लोग, और इनसाइड में क्या होता है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। हॉलो हॉलो स्फीयर है या सॉलिड स्फीयर है दोनों केस में ये जीरो ही होगा, अगर ये सॉलिड स्फीयर भी होता तो भी इसके अंदर फील्ड क्या हो जाता जीरो, इसके अंदर का फील्ड जीरो ही होता, अगर ये सॉलिड स्फीयर भी होता ऐसे तो भी इसके अंदर का फील्ड जीरो आता इनसाइड, और सरफेस का यही होता के क्यू अपॉन जो भी इसका रेडियस है कैपिटल आर है तो कैपिटल आर स्क्वायर, स्मॉल आर रेडियस है तो स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये सरफेस के लिए सेम वैल्यू है और आउटसाइड पॉइंट के लिए भी सॉलिड स्फीयर का वही फॉर्मूला है के क्यू अपॉन आउटसाइड एक्स डिस्टेंस पे है तो एक्स स्क्वायर, ये तो हो गया इसका फील्ड। और इसका पोटेंशियल कैसा होता है तो पोटेंशियल सरफेस पे जो होगा वही इनसाइड वाले पॉइंट पे होगा, इसके सरफेस पे जितना पोटेंशियल होगा अंदर वाले पॉइंट पे उतना ही पोटेंशियल होगा, जो कि पोटेंशियल का वैल्यू होता है के क्यू अपॉन आर, फील्ड में आर स्क्वायर और पोटेंशियल में ओनली आर, ये सरफेस के लिए, और आउटसाइड के लिए भी यही है के क्यू अपॉन आर इन प्लेस ऑफ आर यू कैन राइट एक्स, सो वी इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स इज फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल आउटसाइड एट अ पॉइंट विच इज आउटसाइड ऑफ दिस स्फीयर, राइट, स्फीयर के आउटसाइड किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू अपॉन एक्स लिख सकते हैं। तो अभी इसके इंट्रोडक्शन में ये हम देखेंगे कि एक कंडक्टर यहाँ पे है, तो इस कंडक्टर पे अगर यहाँ पे चार्ज हम देते हैं चार्ज, तो ये चार्ज देने का एक लिमिट है क्योंकि बहुत ज्यादा चार्ज देंगे तो वो एयर को आयोनाइज कर देता है, मतलब यहाँ एयर है तो एयर में बहुत सारे गैसेज हैं ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड अपने सामने अप्लाई कर देगा, बहुत ज्यादा इस पे चार्ज दे देंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, तो ये एयर के एयर में जो गैसेज हैं ऑक्सीजन नाइट्रोजन उनके बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो उसके लिए कितना फील्ड होता है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर होता है, तो फील्ड का वोल्ट पर मीटर भी यूनिट है, न्यूटन पर कूलम भी लिख सकते हैं इसको 3 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम, इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जब हो जाएगा तो ये एयर को आयोनाइज कर देगा और इस पर नहीं रह पाएगा चार्ज, एयर का इलेक्ट्रॉन इसको न्यूट्रलाइज कर देता है आकर, एयर में ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैसेज का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आकर इसको न्यूट्रलाइज करने लगता है, यानी आप एक सर्टेन लिमिट तक ही चार्ज दे सकते हैं किसी कंडक्टर को, राइट। अब ये जब लिमिट हो गया हमारे पास कि उस लिमिट से पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा चार्ज नहीं दे पाएंगे हम, तो कैपेसिटेंस को ऐसे डिफाइन किया गया कि वी वोल्ट, देखिए चार्ज देंगे तो वी बढ़ेगा उस पर क्योंकि वी पोटेंशियल होता है के क्यू अपॉन आर,
तो अगर ज्यादा चार्ज देंगे तो ज्यादा पोटेंशियल हो जाएगा, या ज्यादा फील्ड भी होगा, फील्ड और पोटेंशियल प्रोपोर्शनल है दोनों, तो इसके सामने फील्ड जितना ज्यादा होगा उतना पोटेंशियल अधिक होगा उतना, तो पोटेंशियल का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है चार्ज देने से। तो वी पोटेंशियल क्यू चार्ज देने से इंक्रीज किया, तो यूनिट पोटेंशियल कितना चार्ज देने से इंक्रीज करेगा, तो क्यू अपॉन वी। अब इसी क्वांटिटी को कैपेसिटेंस डिफाइंड कर लिया गया। तो कैपेसिटेंस का ये मीनिंग नहीं होता है कि कौन कितना ज्यादा चार्ज स्टोर कर रहा है, वो ये मिसकंसेप्शन है। ज्यादा चार्ज स्टोर करना नहीं है, पर यूनिट वोल्टेज इंक्रीज करने में कितना ज्यादा चार्ज स्टोर हो रहा है ये, राइट। यानी कि कैपेसिटेंस का डेफिनेशन है चार्ज पर यूनिट वोल्टेज। एग्जाम्पल जैसे करते हैं, दो कैपेसिटर आपके पास है या दो कंडक्टर है नॉर्मली। अब एक पे 20 कूलम, एक पे 20 कूलम चार्ज जब मैंने दिया तो उसका 2 वोल्ट इंक्रीज किया पोटेंशियल, और दूसरा है जिस पे मैंने 50 कूलम चार्ज दे दिया, ज्यादा चार्ज दिया, ये कैपेसिटर वन और ये कैपेसिटर टू बोल रहा हूँ, तो 50 कूलम चार्ज दिया तो इसका वोल्टेज इंक्रीज कर गया, मान लेते हैं कि 10 वोल्ट इंक्रीज कर गया। तो अब चार्ज देखेंगे तो चार्ज ज्यादा मैंने कहाँ पे दिया, यहाँ पे चार्ज ज्यादा दिया, क्यू का वैल्यू ज्यादा है यहाँ, और यहाँ क्यू का वैल्यू कम है, फिर भी कैपेसिटेंस आप देखेंगे तो C1 ही ज्यादा आएगा, C1 का कैपेसिटेंस ज्यादा होगा C2 से, क्योंकि C1 को डिवाइड करने पे ऐसे 10 आ रहा है, कैपेसिटेंस 10 आ रहा है, और इसका डिवाइड कर रहे हैं तो 5 ही आ रहा है, यानी कैपेसिटेंस C2 का कम है जबकि C2 पे ज्यादा चार्ज है। तो ज्यादा चार्ज स्टोर करने से कैपेसिटेंस ज्यादा नहीं होता है, चार्ज पर यूनिट वोल्टेज देखना पड़ता है कितना है। तो किसी को मैंने क्यू चार्ज दिया तो उसका वी वोल्ट हो गया पोटेंशियल, तो 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए कितना चार्ज देना पड़ेगा, क्यू बाई वी। सो कैपेसिटेंस इज अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज वोल्टेज थ्रू 1 वोल्ट, राइट। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल थ्रू 1 वोल्ट, राइट। ये क्या हो गया डेफिनेशन कैपेसिटेंस का। अब हम लोग ये सीखेंगे कि एक ही कंडक्टर रहने से क्यों कैपेसिटेंस कम होता है, उसके सामने दूसरा प्लेट क्यों लाना होता है, हम लोग को दूसरे प्लेट को लाएंगे तो कैसे इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाता है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, राइट। अभी हम लोग कैपेसिटर का डेफिनेशन देख लिए इसमें, ओके। सो चलिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे कि वाई कैपेसिटेंस इंक्रीजेज व्हेन वी पुट टू कंडक्टर